हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश्चन टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल कंपनी की तरफ से यार इंटरेस्टिंग एक नए प्लान के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एयरटेल के सभी यूजर्स को पता भी होना चाहिए। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये प्लान कोई नया नहीं है, इसके अंदर चेंजेस कुछ हो गई है ऐसी जिसकी वजह से जियो से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप जियो का नंबर यूज़ करते हो, इनकेस मान लीजिए आपने जो भी अपना प्लान एक्टिवेट करा रखा है, डेली का आपको जो भी डाटा कैपिंग मिलती है वो अगर ख़त्म हो जाती है, तो केस अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा यूज करना है तो आपको जियो की तरफ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, हम लेते हैं 51 से। अगर मान लीजिए आप 51 रुपये का रिचार्ज कराते हो, इसमें आपको 3 GB डाटा मिलता है। बेसिकली जियो का ये एड ऑन प्लान है, आपका जो भी प्लान पहले से एक्टिवेट होगा अनलिमिटेड का, उसकी जो वैलिडिटी है उतने दिन तक की वैलिडिटी के साथ में आपको 3 GB डाटा जियो की तरफ से 51 रुपये में मिलता है। अब अगर हम बात करें तो एयरटेल के प्लान में बेसिकली कुछ चेंजेस ऐसे हैं। एयरटेल का एक नया प्लान है जो 48 रुपये का है, इसमें आपको 3 GB डाटा 28 दिनों तक की वैलिडिटी के साथ मिलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कुछ ऐसी है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो बहुत कम डाटा यूज़ करते हैं, बेसिकली उनको बस व्हाट्सअप चलाना होता है या फिर कभी कभी फेसबुक चला लेते हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो 48 रुपये में आपको 3 GB डाटा 28 दिनों तक की वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जो बड़ी एसेंस आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो। बट इसकी कंडीशन ये है, ये बेसिकली एड ऑन प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर पर पहले से कोई अनलिमिटेड का प्लान एक्टिवेट हो, ये ऐसा है कि आप कभी भी रिचार्ज करा सकते हो इसको, आपको 28 दिन तक की वैलिडिटी मिल जाएगी। पर कंडीशन ये है कि आपके नंबर पर पहले से वैलिडिटी होनी चाहिए, जैसे कि 35 रुपये में आपको 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। ऐसी कोई वैलिडिटी अगर आपको लंबी टाइम की मिली हुई है, या फिर इनकेस अगर आपको मान लीजिए आपके नंबर पर इनकमिंग कॉल आती हैं, तो इस केस में आपको उसके इस रिचार्ज को करा सकते हो, जिसमें कि आपको 48 रुपये में 3 GB डाटा 28 दिनों तक की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ये प्लान उन यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है जो जिनको बहुत कम डाटा यूज़ करना होता है अपने नंबर पर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वैलिडिटी प्लान नहीं है, वैलिडिटी इस 3 GB डाटा की है। आपके नंबर पर पहले से कोई वैलिडिटी का प्लान एक्टिवेट होगा इन केस में, तो ही आप इस नंबर को बेसिकली इस प्लान को एक्टिवेट करा के यूज़ कर सकते हो, तभी ये प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें आपको 48 रुपये में 3 GB डाटा मिलेगा 28 दिनों के लिए। हालांकि एयरटेल की तरफ से एक और भी प्लान है जिसमें कि 49 रुपये में आपको 3 GB डाटा मिलता है, वो एड ऑन प्लान है। उसमें मान लीजिए अगर आपने एयरटेल के नंबर पर 3 महीने का कोई प्लान एक्टिवेट करा रखा है, तो उसमें आपको उतने दिन तक की वैलिडिटी मिल जाएगी 49 रुपये में 3 GB की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बेसिकली उन यूजर्स के लिए हो सकता है जिनको बहुत कम डाटा यूज़ करना होता है, या फिर मान लीजिए व्हाट्सअप फेसबुक में अगर वो थोड़ा बहुत डाटा यूज़ करते हैं, तो ये 48 रुपये में 1 महीने तक वो काम चला सकते हैं। पहले के टाइम पर 1-1, 2-2 GB में भी यूजर्स पूरा 1 महीना निकाल देते थे। आज के दिन एयरटेल की कंपनी की तरफ से 48 में 3 GB डाटा मिला, जो कि बिल्कुल एड ऑन नहीं है, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलती है 28 दिनों तक की। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल के बैठे कर जय हिंद।